सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो भाई यार, नहीं बैठ जाऊंगा, मैं क्या करूँ किचन में जाके। आज मेरी अंजीर नहीं उबाली, आपने कुछ नहीं उबाला, तो नहीं बैठ। उबाला नहीं रखा, नहीं बीरो एक ही बात है। बेटा तेरे पर ना रखा जाए, मेरे तो बताए, मैं रखा करूंगा। दे दी, दे दिया, रख कर किचन में जा, न जाना छोड़ दिया। तेरे बस की ना रहना ही, तू भूल जाएगा जी। तो भाई इतनी नींद में कि मेरा फोन भी गिर गया। तो भाई चलो किचन में चलते हैं, अपना कब से वो तो बना ले दलिया जी, नहीं तो कोई बात नहीं, पर अपना दलिया तो बना ही ले। और ऑलरेडी 9:15 हो चुके हैं, तो किचन में प्रस्थान करते हैं। तो क्या जल्दी बना, आप खाओ। मैं गलती से आज अंजीर रह गई है रखने पे, पर कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है। जरूरी नहीं आप हर दिन एक जैसा रूटीन रख पाओ, कभी कभी गलती हो जाती है। क्योंकि आप जब घर में सारी चीज़ों को करते हुए चलते हो ना, आप कुछ ना कुछ भूलोगे ही भूलोगे। तो मैं भी थोड़ा सा कुछ भूल गई हूँ आज, तो उसके लिए मैं इनको सॉरी बोल दिया। मैंने कहा आज से तुम ही रखो, मैं नहीं रख पाई तो कोई बात नहीं। तो अपना दलिया बना देते हैं आज, पहले जल्दी बन जाएगा। तो भाई जब से मैंने ये दूध इसमें रखा है ना, तो इनका भी मन करता है कि दूध पी लूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, फिर हमारी चीज़ों की नीड अलग हो जाती है। जैसे कि हम जितना चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, चीज़ों को अच्छी जगह पर रखते हैं, लाइक अच्छे कंटेनर्स में रखते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें बदल देते हैं कि जो हमने घर में कभी नहीं की और फर्स्ट टाइम करी हो, तो वो चीज़ आपको ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि इसे यूज़ कर। ऐसा फील होता है कभी कभी, किसी को भी बताना जरूर। जैसे मैंने दूध इस बॉटल में रखा, तो कल से बोल रहे मेरा मन कर रहा है दूध पीने का, दूध पीने का, दूध पीने का। तो भाई किसी दिन हो भी सकता है ये उठा के दूध की बॉटल पी ही जाए। तो भाई एक बार इनसे भी पूछवाऊंगी, इनका मन ऐसा करा नहीं करा। कल ये बहुत बोल रहे थे कि मेरे को दूध पीना है, दूध तूने ऐसे रखा हुआ है। चलो इनसे भी पूछते हैं ये बात। ये बात सच है कि फ्रिज में जो मैंने दूध की वो रखे हैं बॉटल्स, आपको कल से दूध पीने का मन कर रहा है? तो भाई इनका कल से दूध पीने का इतना मन कर रहा है बॉटल्स देखने के बाद। आप चीज़ों को ऐसे ऑर्गेनाइज करो कि घर में जो नहीं भी खाता हो ना, जो चीज़ों को उसको देख कर खाने का मन करे। राइट, डाइट में नहीं है, सबके डाइट में नहीं है। तो भी मेरे को लग रहा है कि मेरा दूध कतली जल्दी बन जाएगा, पर ये खुल नहीं रही बॉटल्स। ऐसे ही होने चाहिए, कभी फ्रिज में गिरे भी तो टूटे ना और फूल फैले ना। तो भाई एक बॉटल में कितना दूध आता है मेरा, एक बॉटल में मेरा एक ग्लास दूध आता है कि जिससे मैं रात के ग्लास दूध पीऊँ तो मैं एक निकाल सकती हूँ बॉटल, मतलब एक टाइम के लिए एक बॉटल इनफ है मेरे लिए। तो ये भी अच्छा है कि आपको दूध भी नहीं बचेगा, ये भी अच्छा है कि आपको दूध दोबारा रखना भी नहीं पड़ेगा फ्रिज में। और मैं सोच रही हूँ एक में मैं छाछ रखने लग जाऊँ, क्योंकि छाछ भी आने लगी घर में, तो छाछ भी रखनी ज़रूरी है। इसको तो मैं साथ के साथ वॉश करके निकाली हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें घर में ऐसी होती है आपको साथ के साथ वॉश करनी चाहिए। ये वॉश करके साइड में रख देते हैं, टूटे फूटे ना। इसको बनने देते, बाकी हम सारा काम कर लेते हैं। और आज है एकादशी, आज राइस नहीं खाए जाएंगे, आज सिर्फ रोटी खाई जाएगी, तो उसके हिसाब से खाना बनाते हैं। तो भाई आज है 20 तारीख, तो आज है एकादशी, आज राइस नहीं खाई जाएंगे सिवाय रोटी के, कुछ नहीं खाना है आज। तो मैं आज बनाऊंगी मिक्स वेज इनके लिए भी और अपने लिए भी, और छाछ साथ में। छाछ के बिना तो खाना पूरा हो ही नहीं सकता किसी का भी। मिक्स वेज बनाने के लिए मैंने पनीर, तो भाई चलो मिक्स वेज बनाते हैं, आज पनीर के साथ बनाते हैं। उसके बाद दूसरा काम करूंगी, भी बहुत सारा काम करने के लिए। तो वॉश कर लूंगी पहले, मेन वॉश करने से तो आपका सारा काम इतना आसान हो गया होगा करना, कि जो करता है वही जानता है। तो भाई मेरे लिए तो बहुत आसान हो गया सारा काम करना इससे, और बहुत इजी भी हो गया है कि फटाफट से आप, इवन आपके हस्बैंड के लिए भी आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा कि भाई
ये कर रहा है वो कर रहा है, बहुत हेल्प लेती है इससे। तो पहले फटाफट से सब्जियां काटते हैं फिर सब्जी बनाते हैं, इतने में ही दलिया बन जाएगा। उस दिन किसी ने मुझे बोला था कि आपने कढ़ी ऐसे बनाई वैसे बनाई, हम तो ऐसे नहीं बनाते, ये है वो है। तो भाई मैं किसी को कढ़ी सिखा नहीं रही थी, मैं सिर्फ कढ़ी दिखा रही थी कि मैं ऐसे बनाती हूँ, और किसी को ट्राई करनी है तो वो ऐसे ट्राई कर सकता है। क्योंकि तो जरूरी नहीं है कि आपको हर सब्जी इतनी हैवी करके खानी है मसालों के साथ कि आप ये भी डालो वो भी डालो, जरूरी नहीं है। तो आप कभी कभी चीज़ों को सिंपल भी खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो कि आपको ऐसा लगे कि आपको बनाने में इतना वक्त लग रहा है। सिंपल चीज़ें भी अच्छी होती है, जितना मिर्ची मसाला और चीज़ों को कम खाओगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है, बॉडी के लिए, अभी के लिए भी नहीं आगे के लिए भी। तो भाई मैं तो इस वजह से ये सब चीज़ें बहुत देर खाती हूँ। मैं बहुत सिंपल बनाने की कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को जितना सिंपल बनाओ उतनी जल्दी बन जाए, और उतना उसमें ये रहे कि हाँ इतना सब नहीं बनाना, ये नहीं करना, तो आप ना सोचोगे खाना बनाओ कि नहीं बनाओ। तो भाई इस वजह से मैं चीज़ों को सिंपल ही बनाती हूँ, सिंपल चीज़ें ही पसंद है। फटाफट से कट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं सबसे। तो भाई स्टार्ट करते हैं अब सब्जी बनाना। तो भाई ऑयल हो चुका है, मैं बताती हूँ जी, जिसने सब्जी देख ली पहले अच्छी बात है, नहीं देखी मैं दोबारा बना रही हूँ। मैं पहले डाली थी जीरा, ठीक है, थोड़ी सी हींग, हींग से खाना बच जाता है, जो नहीं यूज़ करता वो यूज़ करना शुरू कर दो, बहुत अच्छी चीज़ है, हींग खाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जी में। तो भाई ये सब्जी है गोभी मटर बीन गाजर शिमला मिर्च, मैंने अनियन नहीं लिया आज, तो उसमें एक ही बारी में कर देना है, ठीक है। डीप फ्राई के लिए इसलिए मना करती हूँ मैं, क्योंकि डीप फ्राई में ऑयल ज़्यादा लगता है, अलग अलग आप उसको फ्राई करोगे तो उसमें और बहुत ज़्यादा ऑयल जाएगा, खाओ मिर्चियाँ कम खाओ अच्छा है। तो बस डीप फ्राई मना करने का रीज़न ही है, उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है, आपकी मर्जी है, भर भर के वाली खाओ, तो मेरे हिसाब से आपको ऑयल कम खाना चाहिए। तो भाई इसको देखो मसाले मिक्स कर लिए सब्जी बने जैसे, इसको बस फ्राई करना है, फ्राई करना है जब तक कि सारी फ्राई ना हो जाती है। मैंने एक ही में फ्राई करती हूँ, आप अलग अलग करोगे और ज़्यादा लगेगा, एक में करोगे ऑयल कम लगेगा और सारी चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। मेरे को खाने में मैटर करता है सिंपल और जल्दी, किस किस को भाई ये चीज़ अच्छी लगती है, सिंपल और बहुत जल्दी। तो भाई मेरा ये कहना है कि खाना सिंपल हो और जल्दी बन जाए। तो भाई फ्लेम को थोड़ा ज़्यादा करने के बाद इसको फ्राई पैन छोड़ देते हैं चीज़ों को। एंड इसका दूसरा स्टेप क्या है, अभी सब्जी मसाले कुछ नहीं डालने हैं, कुछ भी नहीं, दूसरा स्टेप है इसका, ये तो मैंने पनीर लिया है, इसको हम रगड़ेंगे नहीं, इसको मैं ऐसे कर दे रहा है मैश, क्योंकि रगड़ने में भी ऐसे ही होने वाला है और वैसे करने में भी यही ऐसे होने वाला है। तो मैश कर दिए पनीर डालेंगे तो पूरे सब्जी में मिक्स होएगा ऐसे। अब ये पूरी सब्जी मिक्स हो जाएगा, आप इस वजह से जैसे पराठा बनाते हैं उसको मैश करने में कि आधा पनीर उसमें उसको मैश करते हैं उसी में रह जाता है आधा निकलता है, बेटर है आप ऐसे करो, आपका पनीर पूरा रहेगा और सारा मैच हो गया। तो इसके बाद ये फ्राई हो जाएगा, फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि इसको मिक्स करने के बाद क्या मसाले डालने हैं। बहुत सिंपल है, सिंपल चीज़ें खाओ और अपनी एज को बढ़ाओ, ना कि अपनी एज को घटाओ, ठीक है। और बीच बीच में इसको ऐसे चेक करते रहना है क्या ज़्यादा आपकी सब्जी में लग जाए। तो भाई सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, देखो ना हमें इसमें अलग से ऑयल डालना पड़ा ना फ्राई करना पड़ा। अब इसमें मिला देंगे अपनी सारी पनीर, आप अपने हिसाब से भाई कैसे घी बना सकते हो मिक्स वेज, कैसे जैसे मन करे वैसे बना सकते हो, जरूरी नहीं कि मेरा देखा देखी बनाओ भाई। तो इसमें मिलाएंगे, पहले मिलाएंगे धनिया, फिर सॉल्ट, सॉल्ट ज़्यादा नहीं,
मैं जितना खाता हुआ उतना डालना, साथ में डालेंगे हल्दी, ठीक है। ये सब फिर मिक्स करेंगे एक बार। और अपना घर का बनाया हुआ थोड़ा सा ये मसाला, जैसे कि सबको पता है, तो ये मसाला मैंने मिक्स कर दिया है भाई। सब्जी रेडी भाई, आप बिल्कुल डीप फ्राई ना करें सब्जी को, ज़्यादा कुछ ना करें, सारी सब्जी एक साथ मिक्स करें और मिक्स वेज बनाएं। कैसी लग रही है बताना जरूर कमेंट में। बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाएगी। पहले ये लगा के लड्डू गोपाल को, ठीक है। और आज मैंने सब्जी बनाई है बिगर अनियन वाली, तो ये भी लड्डू गोपाल को खिला सकती हूँ। अब बताओ किस चीज की है सब्जी? मिक्स वेज और क्या है? अरे वो भी डाला है पनीर। अच्छा पनीर भी डालो। चलो चलो के आते हैं, फिर रोटी बनाऊंगी तो रोटी डालू, मतलब उनके लिए बना के। मैंने कल एक स्टेटस लगाया था इंस्टाग्राम पे, जो लोग फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा, जो यूट्यूब पे उनको नहीं पता चला कि यूट्यूब पे वो स्टेटस ही लगाया होगा, जो किसी और के साउंड रुके। तो उसमें बोलते हैं कि हमें भगवान को भोग लगा के क्यों खाना चाहिए। तो उसका एक इतना अच्छा गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया है कि जब एक पिता बच्चों के लिए कुछ लाता है, जैसे उसके चार बच्चे, तो चारों बच्चों में देता है, अपने नहीं देता, उसको लगता है कि बच्चे खा ले तो मैंने खा लिया। उन चार में से एक बच्चा उछल के अपने पिता की गोद में बैठ जाता है और वो अपने पिता को खिलाता है, फिर उसी को उसका पिता उस बच्चे को खिलाता है, गोद में बैठाता है। तो इससे पिता की आत्मा तृप्त हो जाती है सिर्फ थोड़ा सा खा के, कि इन चार बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जो मुझे खिला के खा रहा है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि पिता ने कितना खाया, उसने ये देखा कि एक बच्चे ने मुझे खिला के खाया, तीन बच्चों ने तो अपने आप खाया और एक बच्चे ने पिता को खिला के खाया, तो उसके लिए उस पिता का स्नेह प्रेम बढ़ जाता है। ये बात आपने बिल्कुल बढ़िया बोलते हैं। तो यही चीज भगवान के साथ है कि, और उसमें ये भी कहा कि अब लेके आने वाला तो पिता ही है, देने वाला भी पिता ही है, तो बच्चे कहते हैं पिता क्यों खिलाना, वो तो लाने वाला ही है। तो ऐसे ही भगवान है, देने वाला तो भगवान ही है। तो उसको खिला के खाने में ये आनंद है कि भगवान तृप्त हो गए, भगवान ने ये देखा कि उसने मेरे अपने आप खाने से पहले मुझे खिलाया, तो भगवान उसकी तरफ दृष्टि अपनी थोड़ी ज्यादा रखते हैं, मतलब उनका ध्यान ज्यादा रखते हैं कि जो बच्चे अपने से पहले, जैसे भगवान ऐसा पिता ही हो गए जिन्होंने हमें जन्म दिया, तो वही जो अगर भगवान ने सब बनाया है, हम सोचते हैं भगवान ने तो बनाया है, हम रख भी देंगे खुद ही खा लेगा, ऐसा नहीं होता। खिलाने से जो स्नेह मिलता है ना, वो स्नेह भगवान को भोग लगाने से मिलता है। ये बात बिल्कुल बढ़िया। और एक और चीज बताती हूँ मैं, क्या थी, हाँ, हम मंदिर में भोग रखते हैं, लोग कहते हैं कि भोग थोड़ा नहीं हुआ, भोग उसमें से खत्म नहीं हुआ, क्या भगवान ने खाया? तो उसके ऊपर मैं ये बोलूंगी, उसके ऊपर भी कितनी अच्छी बात बोली गुरु जी ने, भोग आपने रखा वो थोड़ा नहीं हुआ, वो उतना का उतना है, आपको लगा भगवान ने खाया नहीं, लेकिन भोग का जो वेट है ना वो हल्का हो जाता है, पता, वो खत्म नहीं होता, पर वो भगवान उसमें से जो खाते है ना वो दिखाते नहीं है, वो उस चीज को हल्का कर देते, उसका वेट कम हो जाता है। तो भोग रखने का ये भी मतलब होता है, लोग सोचते हैं रखा तो भगवान ने खाया नहीं खाया, हम क्यों रखे, भगवान तो खाते नहीं है, भगवान खाया हुआ दिखाते नहीं है, बट 101% उसका ना जो वेट, और जो कहते हैं ना कि वो जो उसके अंदर भारीपन होता है वो हल्का हो जाता है, कि भगवान उसमें से भक्त का स्नेह लेते हैं इस वजह से। तो भाई भोग लगा के खाया करो, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर जैसे कोई बाहर रह रहा है, कोई बड़ों के साथ नहीं रह रहा है किसी रीजन से या किसी भी रीजन से, तो वो काम भगवान का इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि मैं ये मानती हूँ माता से पिता, हाँ सब कहते हैं माता पिता भगवान की जगह पे होते हैं, भाई जन्म दिया तो बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो भी एक मनुष्य ही है, तो भगवान ही सबके पिता है। तो मैं कहती हूँ कि उनको खिला के खाओ चाहे कुछ भी खाओ। क्या कर रही है? सब पी ले, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, रहने दे। तो फिर मिट्टी इधर उधर मत करो। बंद करना। मैडम जैसे हो जाता है वो वाला मंगल सोमवार वाला, तो फिर वो पत्ते कहाँ रख दिए बाप ने? उसी, देखो सूखे पत्ते हो चाहे हरे पत्ते हो, अगर वो गिर रहे हैं ना वो अपने आप डिसॉल्व होके खाद ही बन जाते हैं। अच्छा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ये खुद भी खुद उसी में डिसॉल्व हो जाएगा, लीव नहीं है निकालने। दलिया खाने पहले चल, धरा रह जाए, खाओगी नहीं। मेरे कैसी लुगाई है? लुगाई ऐसे पहले काम करना चाहती है, खाना चाहती। काम हो चुका है फिर भी ना खा रही। अरे बनाना तो ना, आधा खाना दे रहे हो मेरे को। मेरे क्या पता खाएगी या ना खाएगी, कई बार डाल ले कई बार ना डाल ले। अरे बनाना नहीं खाती ना, मेरे को मेरे बॉडी में एनर्जी सी नहीं है भैया। कई कई बार ही खा के दिखावे, और कई बार तो ऐसी चीज ज्यादा उब जाए। नहीं यार ये मेरे खाने का मन ही नहीं कर रहा, मैं क्यों खाऊं बावड़ी से? कम से कम टू बनाना खाने हैं डेली के, कल नहीं खाए थे मैंने, ये मेरे को भी बॉडी में हल्का बन जाए चावल कल से। और कल ना खाए ना बेका, पकड़ ली ना, शाम खाएगा ना जिम में वो देख के। वो शाम ना खाया था ना, सुबह तो नहीं खाया ना। हाँ, वो कपिल जब सामने देखा तो तब मैं कह रहा हूँ कपिल लाया तब खाया, और वो भी मैंने बिस्किट खाने के बाद खाए थे। तो भाई मैंने तो अपना खाना खा लिया है, अब जाएंगे हम पहले गौशाला, और आज एकादशी है, व्रत में रख रही हूँ, तो व्रत की जगह पे मैं किसी को कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि अभी तबीयत सही नहीं चल रही तो व्रत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं दो बार ऐसा हो चुका कि व्रत रखते रखते मेरा आधा दिन पे व्रत खराब हो गया है। तो आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो इससे बेटर है कि आप व्रत को कुछ दिन के लिए स्किप कर दो, उसकी जगह किसी को कुछ खिला दो। तो भाई अभी हम जाएंगे ये खाना खा रहे, जब तक मैं अभी चलती हूँ मशीन लगाने, क्योंकि मशीन में पड़े कपड़े इनके भी और मेरे भी, क्योंकि धूप इतनी तेज आ रही कि अभी लगाऊंगी तो ये सूख जाएंगे, और वक्त से मैं इसको उठा भी लूंगी, क्योंकि रोज कपड़े पड़े रह जाते हैं ना वो भी अच्छा नहीं लगता मेरे को बाहर। तो भाई चलो मशीन भी लगा लेते हैं अब साथ साथ, इन्हीं के कपड़े ज़्यादा होते हैं मशीन में, वैसे मुझे लगता है कि मेरे होते हैं। मशीन लगाते हैं फिर चलते हैं। तो भाई रोज मैं खिलाती हूँ, आज ये खिला रहे हैं, तो ये सारे मेरे, हेलो गाइस बोलो, हाय हाय बोलो, ये सारे हाय भी बोलते हैं जैसे आते हैं ना, ये मुंह निकल के निकलने लग जाते हैं। चलो हाँ चलो, तो ये सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और पत्ते इनके अंदर कर देते हैं मैं थोड़े से। हेलो गाइस, देखा देखो देखो देखो, हेलो गाइस, ये बहुत तेज है। तो भाई आज मेरे पतिदेव का बहुत मन था कि सैलून जाके बाल कटवाने का, मेरे नहीं उनके, तो मैंने सोचा चलो मैं भी साथ में चलती थोड़ा सा मेरा मन लग जाएगा। तो भाई इतना भी मैंने देखा कि मेरे भी बाल थोड़े से वैसे वैसे से हो रहे, तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी करवाना चाहिए, तो मैंने मौका देखते भाई अपने भी बाल कटवाने शुरू कर दिए। हालाँकि मैंने कुछ करवाया नहीं है बालों में, सिर्फ स्प्लिट हेयर्स निकलवाए हैं जो कि उसने बहुत ही कम निकाले हैं। मैं तो कहा था भैया काटो ही मत, बस ऐसा लगना चाहिए कटे हैं, स्लिट हेयर निकले, पर मुझे बड़ा दुख हुआ कटते हुए, क्योंकि बाल बढ़ाने में उनको प्रॉपर केयर करके बढ़ाने में बहुत टाइम लगता है। तो भाई उसी के साथ फिर भी मैंने मन पे पत्थर रख के अपने बाल कटवाए, और थोड़ा सोचा लुक चेंज भी हो जाएगा, हल्के फुल्के बाल कटने पे एक लुक बदल भी जाता है। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ भाई, ये है मेरा फाइनल लुक, और हालांकि सैलून जाके तो लुक वैसे भी सबका बदल ही जाता है, तो मेरा तो ऑब्वियसली बदल ही जाएगा, पर ये बाल ये है कि ऐसे बाल मेरे घर में भी हो जाते हैं, बट मुझे मेन था कि मेरे स्प्लिट हेयर कट।
टेक टू। अच्छा मैं आपको तो बताना चाहती हूँ, जितना आपको YouTube पे बहुत प्यारे लगते हैं ना, ये इन पर्सन उससे भी ज्यादा प्यारे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन, बिकॉज ये बहुत प्यारे हैं। फनी भी है, फनी भी है, बहुत प्यारे हैं। मेरी आज इनसे मुलाकात सैलॉन में हुई है एंड आई वॉज ब्लेस्ड टू मीट दीज गाइस, सीरियसली। हाँ हाँ मम्मी बोल चुकी है, पापा से बात करता हूँ। हाँ मैंने बताया कि मेरी मम्मी देखती है आपकी वीडियो, तो ये यहाँ पे सलाद में आए ला, हम भी देख लेंगे। अच्छा आंटी, आंटी नमस्ते, ठीक है ठीक है आंटी आएंगे। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है बाय। हाँ ठीक है भाई। हाँ हाँ है ठीक। हमारे ना सब चीज़ हर दो क्या होगा, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? चीजें काट रखी थी तो आपने फ्रिज चेक करा एक बार भी? आपने बोला एक बार भी, मैं आपके सामने काटने लग रहा हूँ। शिमला मिर्च भी काट ली, वो भी काटी आपने भी, और क्या कर रहा है सामने सामने भाई। देखो ये ऐसे फ्रिज के बिल्कुल सामने ये चीज रखी दिख नहीं रही, मैं ऐसे करना देती छोटे मजाक उड़ा दिया ना मेरा। हाँ। एक तो सो के उठे हो लेट लेट, नींद पूरी करके, नींद पूरी भी हो गई। हाँ ये सही है मैडम, कितने बजे सोते आप? 9:30 9:30 उसके बाद भी लेटे रहे, फिर मैंने उठाया था एक घंटा, एक घंटा सोयो। एक बार बता तू कभी लाइट बंद करके जा रही? एक घंटा तो करेक्ट सोयो, मैं कहीं ना सो पाया। खरा शरीर कसम नहीं आ रही थी, कसम मत खाओ, खराटे की आवाज आ रही थी। खराटे आ जाए अपने हेयर्स तो बना लो, मैं आज बाल कटवा लूंगा, इतने बड़े तो लग भी नहीं रहे। और देखो ये देखो तरीका, देखो तरीका, देखो तरीका, ये अभी तरीका ये हो गया। देखो तरीका, देखो तरीका, ये यहाँ होनी चाहिए, ये ऑयल यहाँ होना चाहिए, और ये यहाँ होना चाहिए, पर सुधरोगे नहीं। कसम खा रखी है, कसम खा रखी, पहले बताओ, कसम खा रखी है दुखी करने की, खा रखी है। तो भाई ये मेरा हेयर स्टाइल है, जो कि हेयर स्टाइल मेरे खुद के हेयर से ही बन जाता है, मैं जूड़े बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं, अब देखा ना मेरा अपना ऐसे बनता हुआ। पर मैं हेयर कट करवा के आई हूँ, बहुत हल्का हल्का सा, मुझे हेयर ज्यादा नहीं कटवाने थे, मुझे अपने हेयर को छोटा नहीं करना था, क्योंकि भाई कटने में 2 मिनट लगते हैं पर भरने में 3-4 महीने लगते हैं। क्या कह रहे हो? तुम्हारे कटवाने पैसे ज्यादा लग गए। कितने? 400। तो इसने काटा है, फिर ड्राई भी तो करा हुआ, इस वजह से लिए होंगे। तो भाई देखो मैं कटवाती हूँ, तो मैंने कब कटवाए थे लास्ट? लास्ट आपने उस पे क्या कहते हैं एनिवर्सरी में? नो नो ना, सुन जयपुर। हाँ जयपुर गए थे। जयपुर कब गए थे? दिसंबर में। दिसंबर में जब कटवाए थे, और अभी चल रहा है मार्च। तो भाई अब जाके इसलिए कटा, क्योंकि मैं स्प्लिट हेयर इसलिए कटवाती हूँ, क्योंकि वो दो मुए बाल ऐसे होते खराब हो जाते मिलने मजा। हाँ और भाई वो जो सब्सक्राइबर मिली थी, मतलब उनकी बेटी, भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत फनी थी एंड नेचर बहुत अच्छा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उनका नाम था दिव्या, पूरा नाम तो मैं पूछ नहीं पाई पर मैं नंबर ले लिया। और दिव्या कोइंसिडेंस मेरी लाइफ में ये दूसरी दिव्या है, जो कि मेरी पहली दिव्या, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरी स्कूल मेट रही है, कॉलेज मेट रही है, ट्यूशन मेट रही है, सब कुछ रही है, एंड उसके बाद ये दूसरी दिव्या, कोइंसिडेंस देखो मिली हुई दिव्या। और ये भी वो थोड़ी सी उसकी तरह ऐसी थी, गोलू मोलू सी, तो मुझे ऐसा लगा ऐसे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिली हूँ, लाइक ऐसा फील आ रहा था। तो आपको कैसा लगा मिलके?
अच्छा लगा भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं खाना अपना पहले ऑलरेडी खा चुकी, थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा बाहर रह गए थे ये, तो अब ये खाना खा रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे आ रही है नींद, कि 3 बजने वाले। पर कपड़े भी धुल गए यार, शिट। तो भाई मशीन भी ऑलरेडी बंद होने वाली है। काश मैंने सुबह धो लिए होते, नहीं अब पड़े रहेंगे। मैं रात में अंदर ही लगाऊंगी, सुबह बाहर रख दूंगी। तो भैया थोड़ा सोते हैं और रेस्ट करते हैं। आज लेट हो गया, लेट हो गया खाने में भी और सोने में भी। और भाई अपनी थर्ड मील भी सेम है जो सेकंड मील थी। कैसा लगा आपको मेरी सब्सक्राइबर से मिलके? अच्छा लगा, उनकी बेटी से, सॉरी। अच्छा जी, और कोइंसिडेंस वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी अच्छी थी। और वैसे भी भाई उन्होंने खुद मैडम से पूछ लिया कि भाई आप वही हो ना। मुझे ना सच बताऊं ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो पहचान के पूछ लेते हैं, जो पहचान के अपने आप में एक एटीट्यूड लेके बैठे रहते हैं, हम बात नहीं करेंगे आप। देखिए भाई मेरा नेचर कोई ऐसा नहीं है, मेरा नेचर आप लोगों की तरह ही, आप लोग बात करोगे। क्योंकि मुझे देखो, अगर वो लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें पता है कि मैं कौन हूँ, बट मुझे नहीं पता। वो लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं नहीं पहचान पाऊंगी आप लोग, पर आप लोग पहचान सकते हो। जो भी अगर मिलता है ना तो मिला करो, अच्छा लगता है हमें भी कि भाई हम एक नए बंदे से मिले। हम नंबर शेयर कर लेते हैं अपना, और इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर लेते हैं। नंबर देख कर मैं नंबर लेकर आई, हाँ खुद सामने से। तो वही चीज होती है ना तो भाई मैं उनको अपना नंबर देकर आई, अपना नंबर लेकर आई, उन्होंने खुद से मुझे पहचाना। तो भाई एक चीज मैं बोलूंगी, जो लोग मुझे ही नहीं देखते हैं उनको पता है कि हम कौन है, बट हमें नहीं पता कि वो लोग हमें देखते हैं। अगर भाई पहचान लेते हो, बात करने का मन है और बात करना चाहते हो, फोटो लेना चाहते हो, वीडियो ले, कि उन्होंने अपनी मम्मी के साथ वीडियो कॉल करके स्पेशली बोला, तो बोला नहीं बोला, सिर्फ करवाई भी। तो भाई अच्छा लगा कि अगर बंदा घर आ जाओ आंटी, तो चाय पे डायरेक्ट इनवाइट कर दी, अगर आओगे तो मैं सब्सक्राइब कर दूंगी। मतलब वो वीडियोस देखती हैं भाई, सब्सक्राइब भले ही ना हो पर वीडियोस देखती हैं, पसंद करती हैं, प्यार देने लोग बहुत अच्छी बात है। तो भाई इस चीज को ना आप थोड़ा चीज को छोड़ो कि हम लोग बात करेंगे, मैं तो उसको इन्वाइट करी जिम पे आ जाओ, जिम पे मिल लेंगे जब फ्री हो। तो उसने बोला ठीक है भाई आते हैं, तो जिससे बात करनी है वो बात कर सकता है। हम लोग भी आप जैसे नाम इंसान ही हैं, बस ये है कि हम लोग अपनी क्रिएटिविटी आपके सामने दिखा रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रही है, बस इतना सा। तो अब रेस्ट करते हैं इसके बाद। तो भाई मैं उठने के बाद आज सोच रही हूँ सोया चंक्स ले लूँ, क्योंकि सोया चंक्स वेट भी बढ़ाती है, प्रोटीन भी देती है, तो ये अच्छा मील है एक, राइट लेने के लिए। भाई मैं सच बताऊँ पहले मैं अपना रूटीन बांधा हुआ था कि मैं उबले हुए आलू खाती थी, दही, कभी दही कभी आलू, पर आलू फिक्स थे। और ये सोया चंक्स तो सूखे, जैसे भी राइस तुम खा रहे हो ना ऐसे राइस में खाती थी विदाउट सब्जी के, पर उबालने के जगह कुकर में बनाती थी मैं। तो भाई मेरी ये आदत थी खाने की, पर पता है शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं, आदतें बदल जाती है, खाने का तरीका बदल जाता है, बनाने का तरीका बदल जाता है। तो उस चक्कर में आलू में खाना छोड़ो मेरे घर में आलू नहीं है, ये बस सच बताओ है ना। तो मैंने घर में आलू रखना बंद कर दिया, क्योंकि आलू की सब्जी खाता ही नहीं कोई, मैं बनाती नहीं। तो आज सोया चंक्स आज से स्टार्ट करें, और आज से सोया चंक्स कोशिश करूं कि डेली एक टाइम में ले ही लूं, क्योंकि ये जो डब्बा दिख रहा है ना इसको आए हुए कम 3-4 महीने हो गए, खराब नहीं है, मैं कहूँगी खराब है, पर अभी तक खर्च नहीं हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ अब मुझे खाना पड़ेगा इसको, कि मैं दोबारा ला सकूँ और दोबारा इनका खर्चा करा सकूँ। खाने में खर्चा भरपूर कर सकते हैं पर वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये 15 मिनट में मुश्किल से 5-6 मिनट में हो जाएगी, ये ऐसे खा लोगे? हाँ बहुत मजा आता है, हल्का सॉल्ट डालो इसके ऊपर। मैं खाती थी ना तो सब आ जाते थे, कोई पापा, कोई पवन, मैं भी खाऊ, सब खाते थे, पता है बहुत टेस्टी लगता है। अब खा के देखो कभी किसी दिन तब पता चलेगा। तो भाई इतने में पहले एक काम है मुझे, वो कर लेती हूँ फिर मैं खाती हूँ, ध्यान रखना इसका। अगर ये निकल गई ना तो गुद्दी और मेरा हाथ बाल भी बनवाया है, ये जो बाल देख रहे हो ना, सुनो जो बाल देख रहे हो ना, ये बाल इधर के 200 के, इधर के 200 के, भाई 400 रुपए के बाल बने। तो भाई 400 रुपए के बाल बने, तो भाई 400 रुपए के बने तो कब 4 घंटे तो रखूं, ध्यान रखना मैं आ रही, ठीक है? बहुत बढ़िया, कहता मैं 1 तारीख से फ्री हो जाऊंगा शाम को, तो फिर निकालना।
ठीक है, फिर मीशो में पार्सल फ्री में आ जाएंगे? नहीं, कुछ ही में आ जाएगा। अच्छा, कह रहा मैंने पहले भी जिम किया पर मैं रेगुलर नहीं हो पाता, इसलिए मैं छोड़ देता हूं। बट वो तो कोई नहीं हो पाता, शाम को फ्री हो जाऊंगा तो मैं कर लूंगा। वो तो कोई नहीं हो पा रहा। यार क्यों बाल ही खोलो? बाल तो खोल लो प्लीज, खोलो। मर जाओ देखो, मैडम जी हेयर स्टाइल में बताता हूँ कैसे करना है। ये ऑलरेडी हो रखे हैं? अच्छा हो रखे थे। अच्छा ऐसे कर तो ना, ऐसे कर लेंगे आवाज चल रही है ना। तो भाई ये कारण है, और मैं भी इसको यही बोलता हूँ, मैंने बाल खोल के रखा था, बहुत अच्छी लगती है। तो भाई ये पपीता लेकर आए हैं, पपीता वाले पागल बना दिया। और किसने कहा था पपीता लेने जाने, कल चलते आराम से, मैं देख के लाती हूँ। भाई अब नींद बहुत तेज आ रही है, खाना मैं खा चुकी हूँ ऑलरेडी, सिर्फ दूध रह गया, मेरा दूध अंदर ठंडा भी हो चुका है। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, आपसे कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। मेरे को सच में नींद बहुत तेज आ रही है। टेक केयर भाई, राधे राधे।